अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू किचन कॉर्नर। तो कैसे हैं आप? तो आज हम आपको रमज़ान स्पेशल में बनाना सिखाएंगे प्याज के पकोड़े। बहुत इजी और क्विक बनने वाली रेसिपी है। तो आज चले पकोड़े बनाने के लिए मैंने दो अदद प्याज लिए हैं, जिनको मैंने सर्कल में काटने आ चाहे तो लंबाई में भी काट सकते हैं। एक टेबल स्पून मैंने चावलों का आटा लिया है, हाफ टेबल स्पून मैंने नमक लिया है, हाफ टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च लिया है, क्वार्टर टी स्पून अजवाइन और क्वार्टर टी स्पून चिकन पाउडर। चिकन पाउडर इसमें ऑप्शनल है। एक टेबल स्पून मैंने हरी मिर्चें ली हैं जिसको गोल काटनी है, और एक टेबल स्पून मैंने लाल मिर्चें ली हैं जिनको लंबाई में काट लिया है। हाफ टेबल स्पून मैंने ज़ीरा लिया है, थोड़ा सा मैंने धनिया लिया है और बेसन लिया है। तो पकौड़ों की बैटिंग तैयार करते हैं। बेसन डालेंगे, चावलों का आटा मिक्स कर लेंगे, नमक डालेंगे, कुटी लाल मिर्च, अजवाइन, चिकन पाउडर मिक्स करेंगे। बेकिंग पाउडर बताना भूल गई थी, क्वार्टर टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर जाएगा, 5 चम्मच पानी के जाएंगे। धनिया डालेंगे, हरी मिर्च और लाल मिर्च जो हमने कटिंग की थी वो डालेंगे, डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। प्याज डालेंगे, हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पकौड़ों का बैटर तैयार कर लिया, अब हम इन्हें फ्राई करेंगे, पकौड़े फ्राई करेंगे। तो एक एक करके ऑयल गर्म हो चुका है, एक एक करके पकौड़े डालेंगे। प्याज के पकोड़े, तो आप इस रेसिपी को रमज़ान में ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, बहुत ही क्विक रेसिपी है, बहुत जल्द बन जाने वाली रेसिपी है। मैंने ग्रीन चटनी और केचप के साथ इस्तेमाल किया है, तो आप अपनी मर्ज़ी से चटनी कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।